अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मैं बड़े दुख के साथ और भारी दिल के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब ने जुलाई 2022 में एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के नाम लिखा था, सदर आरफ अलवी को भी लिखा था कि मुझे चंद शरपसंद अनासिर अगवा कर मारना चाहते हैं, जिसमें अरशद शरीफ ने अपना नाम, आरफ हमीद भट्टी साहब का, इमरान रियाजान, समी इब्राहिम, मुईद पीरजादा और जमील फरूकी का भी ज़िक्र किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा चीफ जस्टिस है जिसे आम आवाम की जानों माल और इज़्ज़त का कोई ख्याल ही नहीं। इन बेगैरतों फिरौनों को तब याद आते हैं कवानीन जब इनका कोई अपना पकड़ा जाए। ये ऐसे नहीं चलेगा चीफ साहब, ठीक है? क्या मुझे भी उठाओगे? आओ मारो, मुझे भी उठा लो, मार दो गोली मुझे भी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, क्या किया आपने इतना पढ़ लिख के इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच के? लानत है आप पर, आपके पैदा करने वालों पर। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कानून के महाफिज हैं और जो है ना कानून के मावरा लोग मर रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं और आप चूँ तक नहीं कर रहे। आपसे अच्छे तो जानवर हैं, कुत्ते के सामने अगर कोई कुत्ता हो ना, कुत्ता किसी ने रखा हो और कुत्ते के मालिक को अगर कोई जदोकोप करना चाहे तो कुत्ता जो है ना उसकी हिफाजत को भागता है, और आप तो चीफ जस्टिस हैं 22 करोड़ आवाम के। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मरो। क्या करोगे इन ओहदों का, इन पैसों का, इन इस इज़्ज़त का क्या करोगे कि तुम आम लोगों के सामने आ ही नहीं सकते? ज़बान में अल्फी डाल ली है, मुँह में अल्फी डाल ली है। लानत है तुम पर, तुम्हारे पैदा करने वालों पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। किस किस बंदे ने तुम्हें हाथ नहीं लिखे, लेकिन तुम हो कि तुम लोगों से तो फिरौन भी शर्माए। जो असल फिरौन था मिस्र का, वो भी तुम लोगों से शर्माए। बेगैर तो